हिंडनबर्ग पर आया मॉरिशस का रिएक्शन, अडानी ग्रुप और सेबी को लेकर कही बड़ी बात, बोले ऑफशोर फंड का देश में नहीं लेना देना। कोलकाता के रेप मर्डर आरोपी को सीबीआई ने अपनी कस्टडी में लिया, लखनऊ से दिल्ली तक प्रोटेस्ट जारी। विनेश फोगाट को मिल रही तारीख पर तारीख, न्याय की उम्मीद छोड़कर लौटी देश, 16 अगस्त को मामले पर होगी अगली सुनवाई। राजधानी में मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। 15 अगस्त पर आतंकी हमले का अलर्ट, डीजीपी प्रशांत कुमार ने दिए सख्त आदेश, पूरे प्रदेश में सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ जेबा अली। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। आज राजधानी लखनऊ में सीएम योगी की अगुवाई में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया, जिसमें सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मौन पदयात्रा का आयोजन भी किया गया। इससे पहले सीएम योगी ने विभाजन त्रासदी पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद सीएम ने लोगों को भी संबोधित किया। सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम के कदम से कदम मिलाकर इस तरह साथ चलना कहीं ना कहीं विपक्ष के कलेश वाले बयान को खारिज करता है। और संस्कृति को रौंदा गया, तोड़ा गया, अपवित्र किया गया, इस देश को गुलाम बनाया गया। और जब भारत ने लड़ाई ली थी, आजादी की लड़ाई को लेकर के देश के महान क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस लड़ाई को लड़कर के देश को स्वतंत्र कराने की दिशा में विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ जो लड़ाई लड़ी गई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक सरकारी स्कूल में दिव्यांग बच्चे को जबरन मीट खिलाने का मामला सामने आया था। इसकी जानकारी जब दिव्यांग बच्चे ने परिजनों को दी तो हंगामा हो गया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया। इसकी शिकायत शिक्षा विभाग के अधिकारियों से की थी, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए गए थे। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है, जहां आरोपी हेडमास्टर मोहम्मद इकबाल को जमानत मिल गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेसिक शिक्षा अफसरों और पुलिस की साठगांठ से कमजोर धाराओं में केस लगने की वजह से आरोपी को जमानत मिली है। हेडमास्टर के कृत्य घिनौने काम के बावजूद जमानत मिलना कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा अफसरों और पुलिस पर भी सवाल खड़े कर रहा है। जी आपको बता दें, ये खबर आपको बता रहे थे मेरठ से, जहां पर अफसरों की साठगांठ से यहां पर हेडमास्टर को जमानत मिल गई। कमजोर धाराओं में दर्ज किया गया था मुकदमा। जबरन मीट खिलाने वाले को आज जमानत मिल गई है। आपको बता दें, ये खबर मेरठ से आपको बता रहे, जहां पर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजन सोनकर संवाददाता हमारे लाइव जुड़ चुके। जी, जिस तरह से मेरठ में जबरन मीट खिलाने का मामला सामने आया था और अब हेडमास्टर को इतनी आसानी से रिहा कर दिया गया है, राजन? हाँ, देखिए, बिल्कुल, सावन के पवित्र महीने में जिस तरीके से मुस्लिम शिक्षक मोहम्मद इकबाल के जरिए एक दिव्यांग बच्चे को मीट जबरन खिलाए गए और एक के साथ में कोशिश की गई, हालांकि उसने मना कर दिया था। वही जब परिजनों को जानकारी मिली तो तमाम हंगामा हुआ। हिंदू संगठनों ने आने का भी घेराव किया और स्कूल पर भी जमकर हंगामा किया। खुद बेसिक शिक्षा अधिकारी आशा चौधरी वहां पर स्कूल पर पहुंची, उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद में जांच में सामने आया कि जबरन खिलाने की कोशिश की गई थी। उसके आरोप पर उन्हें मोहम्मद इकबाल को निलंबित कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लेकर मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद ही इंसाफ मिल पाएगा, लेकिन इंसाफ केवल और केवल कागजों तक सीमित रह गया। धारा 299 के अंतर्गत एक मामूली धारा होती है जिसमें मुकदमा दर्ज करते हुए थाने से ही जमानत दे दी। तो कहीं ना कहीं ये सवाल शिक्षा विभाग और थाने पुलिस की जो मिली भगत और साठगांठ के जरिए मोहम्मद इकबाल को थाने से जमानत दी गई है, उस पर कहीं ना कहीं कार्य प्रणाली पर पुलिस की और न्याय प्रणाली पर
सवाल खड़ा हो रहा है कि किस तरीके से इतने बड़े मामले को एक छोटी सी मामूली सी धारा में और थाने से जमानत देकर मोहम्मद इकबाल को वहां से जमानत दे दी गई। तो वही फिलहाल मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन परिजनों का और आम लोगों का ये आरोप है और उनका कहना भी है कि पुलिस ने साठगांठ करके इस तरीके से जो पूरा षड्यंत्र रचा है और शिक्षा विभाग के जरिए मिली भगत से जो उसे जमानत दे दी गई है, कहीं ना कहीं ऐसे आरोपियों को संरक्षण दी जा रही है, जबकि ऐसे लोगों पर कठोर मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, उन्हें सलाखों के पीछे बेचना चाहिए था, क्योंकि मामूली ऐसी धारा लगाई है जो जमानती धारा थी जिसे थाने से ही छोड़ दिया गया। आप ये देखिए कि किस तरीके से पूरे मामले में यहाँ से लेकर लखनऊ तक पहुंच चुकी, लेकिन बावजूद इसके मेरठ पुलिस जो कोतवाली के इंस्पेक्टर है नरेश कुमार और बेसिक शिक्षा के अधिकारी की मिली भगत से कहीं ना कहीं ये मामला दबता हुआ ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। भाई तमाम लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और ऐसे में गिरोह ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत बड़ा गिरोह चल रहा हो जो अलग अलग विद्यालय में इस मानसिकता के कट्टरपंथी और षड्यंत्र करके ऐसे ईमान को धर्म को भ्रष्ट करने वाली बात हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे और तमाम शिक्षक भी हैं, लेकिन उनका पर्दाफाश कैसे हो पाएगा, उन लोगों को सबक कैसे सिखाया जाएगा, ये तमाम सवाल जो है वो अभी भी बने हैं। जी, हेडमास्टर के इतने घिनौने कृत्य के बावजूद जमानत मिलना कहीं ना कहीं जाहिर है कि बेसिक शिक्षा अफसरों और पुलिस पर सवाल तो खड़े कर ही रहा है। साथ ही पीड़ित परिवार की आगे हम जानना चाहेंगे कि क्या कार्रवाई वो करना चाहते हैं, आगे किससे वो मांग करेंगे, किससे शिकायत करेंगे। देखिए बिल्कुल, पीड़ित परिवार ने जिस तरीके से मुकदमा दर्ज कराया था, जिस तरीके से उनके धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया है, और प्रयास ही नहीं कह सकते बल्कि धर्म उनका भ्रष्ट करने का काम किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं कठोर और मजबूत एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए था ऐसे शिक्षक के खिलाफ जिसने इतनी बड़ी साजिश रखी, इमाम और धर्म भ्रष्ट करने का जो काम किया है, कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। भाई पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है कि शिक्षा विभाग और पुलिस की मिली भगत से मामूली मुकदमा दर्ज करने के बाद में इस तरीके से जमानत दे दी गई है। भाई अगर इस मामले में कोई संगठन और तमाम लोग जो घेराव कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे शिक्षक को सबक सिखाना बहुत जरूरी है और ऐसे मानसिकता के लोगों को सलाखों के पीछे भेजना बहुत जरूरी है, तो ऐसे तमाम जो कार्यकर्ता हिंदू संगठन के वो भी कहीं ना कहीं घेराव करेंगे थाने का या एसएसपी ऑफिस का। ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले को और कितना गंभीरता से लिया जाएगा, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है, बेहद गंभीरता का मामला है, क्योंकि हिंदू संगठनों ने इस मामले में थाने का घेराव किया था, करीब कई घंटे तक ये हंगामा चला था, खुद मौके पर सीओ और बेसिक शिक्षा के अधिकारी आशा चौधरी पहुंची थी और निलंबित की कार्रवाई की गई थी। राजन सोनकर जी, बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी नजर बनाए रखें।